उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल यूपी के सियासी समर में कूद पड़ी हैं। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पीडीएम ने यूपी की 7 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम फॉर्मूले को ध्यान में रखा गया है। इस सूची में एक उम्मीदवार मुसलमान है। पीडीएम मोर्चा की ओर से जारी की गई सूची में बरेली लोकसभा सीट से सुभाष पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हाथरस लोकसभा सीट से जयवीर सिंह धनगर, फिरोजाबाद से प्रेम दत्त बघेल, रायबरेली से मुस्लिम उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद मोबीन, भदोही से प्रेमचंद बिंद, फतेहपुर सीट से रामकिशन पाल और चंदौली से जवाहर बिंद को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बनारस और मुंबई में रोड शो करने वाली पल्लवी पटेल ने रायबरेली में भी अपना उम्मीदवार उतारकर सभी को चौंकाया है। पल्लवी पटेल ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद मोबीन को टिकट दिया है। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मिलकर पीडीएम मोर्चा तैयार किया। पल्लवी पटेल ने कुर्मी बाहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और एसपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कड़वाहट बढ़ गई थी, जब पल्लवी ने खुलेआम सपा पर पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगा दिया था और सपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने से इनकार तक कर दिया था। वोटिंग के दिन उनकी और सपा अध्यक्ष से फोन पर तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज दिखाई दिए। विवाद के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि पल्लवी पटेल के साथ उनका गठबंधन सिर्फ 2022 तक था, लेकिन 2024 में उनके साथ कोई गठबंधन नहीं। इसके बाद सपा और अपना दल कमेरावादी की राहें अलग हो गईं। हम तो लगातार 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन धन का पालन करते हुए मजबूती से चल ही रहे थे, लेकिन सबको पता है और आप लोगों ने देखा भी कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको अलग कर दिया गया। तो जब एकदम से हमको धोखा दिया गया और एकदम से हमसे किनारा कर लिया गया, तो ऐसे में हम क्या करते? अगर उन पे हमारी डिपेंडेंसी रहती तो 7वें चरण के बाद हमको पता चलता इस असलियत का कि हम गठबंधन में नहीं है। देखिए, हमने तो कहा ही था कि अगर समाजवादी पार्टी ने हमसे गठबंधन से रुख अलग कर लिया है तो इंडिया अलायंस में हमको शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, तो उनका दायित्व है और वो ये निर्धारित करें कि हम उस अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं। लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हम अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बता दें कि पीडीएम में अपना दल कमेरावादी, एआईएमआईएम के अलावा बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल है। दरअसल यूपी की राजनीति में अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी की एंट्री हुई। इस बार ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल खड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन और अब इस गठबंधन के सामने ओवैसी के पीडीएम वाला तीसरा मोर्चा क्या गुल खिलाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।